Hi student, welcome to RCI Azuhab online classes. Class 12 AG, subject biology, topic दीमक का प्रबंधन. इसमें सबसे पहले जो है वो सस्य प्रबंधन. सस्य प्रबंधन में टर्मिटेरिया की खुदाई की जाती है. टर्मिटेरिया यानी कि दीमक जो होती है ये भूमि में पाई जाती है. तो भूमि के अंदर जो घर बनाती है जिसके अंदर ये रहती है उसको टर्मिटेरिया बोलते हैं. तो भूमि की जब जुताई करते हैं फिर टर्मिटेरिया भूमि से बाहर आ जाता है, जिससे इसके अंदर पाए जाने वाली इसकी विभिन्न जो अवस्थाएं हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों में बाहर अत्यधिक टेम्परेचर के कारण ये नष्ट हो जाती है. इसके अलावा खेतों में कच्ची गोबर की खाद और इसके अलावा हरी खाद जो होती है उसको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कच्ची गोबर की खाद और हरी खाद के ऊपर दीमक का जो प्रकोप होता है वो अधिक रहता है. इसको इस पर नहीं डालना चाहिए. दीमक कच्ची गोबर की खाद और हरी खाद के ऊपर ज्यादा आकर्षित होती है, इस वजह से इसको भूमि में नहीं डालना चाहिए जब तक कि ये परिपक्व रूप से नहीं हो जाए. इसके अलावा वे पादप जिन पर दीमक का प्रकोप होता है, ये पादप जो है वो रोगग्रस्त हो जाते हैं. रोगग्रस्त पादपों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए या इनको जला देना चाहिए. इनके अवशेष जो होते हैं उन अवशेषों को भी नष्ट कर देना चाहिए. तो यहां से सस्य प्रबंधन जो है उसमें 3 पॉइंट है. सबसे पहले खेतों की गहरी जुताई करें, जिससे टर्मिटेरिया जो होता है वो भूमि से ऊपर की सतह पर आ जाता है और इसमें रहने वाली इसकी विभिन्न जो अवस्थाएं हैं वो नष्ट हो जाती है. सेकेंड, खेतों के अंदर कच्ची गोबर की खाद और हरी खाद नहीं डालें, क्योंकि इस खाद के ऊपर दीमक का जो होती है वो अधिक आकर्षित होती है. नेक्स्ट, क्षतिग्रस्त जो पौधे होते हैं उनको उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रासायनिक प्रबंधन. दीमक के प्रबंधन में रासायनिक जो प्रबंधन है उसमें फसल लगाने से पहले भूमि का उपचार किया जाता है. फसल लगाने से पहले भूमि जो होती है उसमें रासायनिक दवाइयां मिलाकर उसको उपचारित किया जाता है. तो इसके लिए मिथाइल पैराथियन या मिथाइल मेलाथियन इसका उपयोग किया जाता है. 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उपयोग करते हैं, जिससे इनका प्रकोप जो होता है 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि को उपचारित किया जाता है. इसके बाद बीजोपचार. खेतों में बीजों को बोने से पहले बीजों को उपचारित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो क्लोरपाइरीफॉस या क्यूनोलफॉस, इनका उपचार किया जाता है, जिससे बीज जो होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाती है दीमक और आसानी से ये प्रस्फुटन होकर पौधे के रूप में ये उगकर या अंकुरित होकर पौधे का निर्माण करते हैं. इसके अलावा
भूमि उपचार करने के बाद और बीज उपचार करने के बाद खड़ी फसल जो होती है, खड़ी फसल में दीमक का प्रबंधन, सिंचित जो क्षेत्र होते हैं, सिंचित क्षेत्रों के अंदर दीमक का प्रकोप जो होता है वो कम रहता है और असिंचित जो क्षेत्र हैं उनमें दीमक का प्रकोप अधिक होता है। और सिंचाई के साथ जिस समय फसल में सिंचाई करते हैं उस वक्त इसके अंदर मिथाइल पैराथियन या फिर क्लोरपाइरीफॉस इसी का उपयोग करेंगे। अब यहां पर लिक्विड के रूप में लेंगे इसको, क्लोरपाइरीफॉस जो होता है इसको लिक्विड के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार से जो दीमक का प्रबंधन है वो कंप्लीट होता है जिसमें सस्य प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन। धन्यवाद।